जरा सी ईशा, इस तूफान में कार ड्राइव करना आगे पॉसिबल नहीं है। एक काम करते हैं, इस बंगले में ही रात गुजार लेते हैं और फिर सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछना तो पड़ेगा कि यहाँ पे रहता कौन है। वो तो ठीक है, देखते हैं। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? हमें हेल्प चाहिए थी। एक काम करता हूं, मैं कोई लाइट या कैंडल ढूंढने की कोशिश करता हूं, तुम यहीं रुको। गॉट इट, कैंडल मिल गई। ईशा, कैंडल क्यों बुझा दी? ईशा, क्या कर? कौन? कौन है? ईशा, भागो भागो, बाहर निकलो यहां से जल्दी, भागो। गाइस, आई हैव डिसाइडेड कि हम अपनी अगली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की डॉक्यूमेंट्री इसी हवेली में शूट करेंगे, एंड इट्स फाइनल। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये हवेली भूतिया हवेली है भी कि नहीं? रोनित, ये कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है, ये केशवगढ़ की हवेली है। ओह कम ऑन। एक मिनट, तुमने प्रिंसेस नतालिया का नाम तो सुना ही होगा, एंड आई एम श्योर उसकी भयानक कहानियां भी सुनी होंगी, राइट? आर यू मैड सिया? इस हवेली में जाने की इजाजत किसी को नहीं है, और पिछले 10 साल से वहां पर कोई नहीं रह रहा। आई मीन, जो लोग वहां रह रहे थे वो खुद वो हवेली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। एक मिनट, स्टोरी तो अच्छी है, मुझे लगता है कि हम लोग वहां पे शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैडम परमिशन कहां से लेके आओगी? वेट अ मिनट, सुनिए, तो वही रहे यार। मैं कौन हूं इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं, तुम लोगों को खाली इतना ही जानना काफी है कि उस हवेली में तुम लोगों को जाने की इजाजत और वहां पर शूटिंग करने की भी इजाजत दिला सकती हूं। और हां, उस हवेली में शूटिंग करने पर मैं तुम लोगों को पैसा भी दूंगी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बस शूट की तैयारी करो। एंड एक और बात कि जब तक ये शूट पूरा खत्म नहीं हो जाता, बॉस को इसकी कोई खबर नहीं होनी चाहिए। सिया, तुम कुछ ज्यादा ही रिस्क नहीं ले रही? मैंने डिसाइड कर लिया है, हम केशवगढ़ की हवेली जरूर जाएंगे। ये लो हवेली की चाबियां।
क्या सोच रही हो? लो पकड़ो। लेकिन लो एक बात बताऊं तुम लोगों को, नतालिया में बचपन से ही बहुत ही क्रूर इंसान और शैतानी सोच के लक्षण थे, और इसीलिए उसको उसी के कमरे में बंद करके रख दिया था। जानते हो क्या हुआ एक दिन? क्या? उसने खुद ही उस कमरे में आग लगा ली और उसी आग में जलकर मर गई। ओह गॉड। फिर ये हादसा सन 2008 में हुआ था, और उसके बाद उस हवेली में नतालिया का भूत अलग अलग रूप में दिखने लगा, कभी बचपना तो कभी जवानी। और उसी साल उस हवेली में राज परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। 5 लोग उस हवेली को छोड़कर चले गए, और उस दिन से उस हवेली में कोई भी कभी भी वापस नहीं आया। बस एक आदमी है जो हवेली की देखभाल करता है। कहते हैं कि नतालिया की आत्मा उस हवेली में कैद है। कैद? हाँ, जो वहां से बाहर नहीं आ पा रही है। और हाँ, एक बात याद रहे, उस हवेली में एक बंद कमरा है। उस कमरे को खोलना तो दूर, उसके आसपास भी मत भटकना, क्योंकि वो कमरा नतालिया का है। समझ गए ना? समझ गए ना तुम लोग? अरे रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। अरे बट क्या हुआ? मुझे इधर ही उतरना है। लेकिन हम हमारे साथ चल रही थी ना। नहीं, क्या है ना, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मुझे इधर ही उतरना है। अब मैं तुम लोग के साथ आगे तक नहीं जा पाऊंगी। रुको रुको। अरे सुनिए तो, एक सेकंड सुनिए तो। अरे ये क्या बात हुई? कमाल है, ऐसे ही चली गई। चली गई तो क्या हुआ गाइस, हम तो चलें, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी, क्या बोलते हो? देखो यार, सब कहानियों की तरह ये कहानी भी अच्छी तो है, पर मुझे लगता है कि इस कहानी में भी ड्रामे का थोड़ा तड़का मारना पड़ेगा। ओ यार, हम तो होटल जाने वाले थे ना। होटल शहर के अंदर है और हवेली रास्ते में पहले पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना हवेली देख ले। कल के शूटिंग की प्लानिंग भी कर लेंगे। एग्जैक्टली। चल ठीक है, कोई नहीं यार। एक सेकंड गाइस। हेलो जी, स्पीकिंग, बोल रही हूँ। ओश, ठीक है, आई विल बी देयर इन अ मोमेंट। ठीक है, मैं आती हूँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग। गाइस देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या हुआ? होटल की बुकिंग की कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मेरे को भी जाना होगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग हवेली को पूरी तरह देख लो आराम से, एंड देन आई विल सी यू एट द होटल। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। ओके सी यू, ओके बाय, कैरी ऑन। अरे चाबी। ओह सॉरी। तू भी यार। सॉरी, बाय। पहुंच जाना आराम से। ओके ठीक है, ओके। अजीब बात है यार, दरवाजा खुला ही था तो चाबी क्यों दी? अबे छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है। सही है यार, एकदम मस्त, अच्छी हवेली बनाई है। यहां पे तो कोई रहता नहीं ना, तो फिर मोमबत्तियां किसने जला दी? अरे वो लेडी बता रही थी ना, एक सर्वेंट है जो आता जाता रहता है। हाँ तो शायद उसी ने जलाई होगी। राइट राइट राइट। कोई है? एनीवन हियर? हेलो। इधर आ। क्या हुआ? वो देख,
कितनी खूबसूरत है यार। प्रिंसेस नटालिया सच में बहुत खूबसूरत थी, बहुत जल्दी मर गई बेचारी। चल देखते हैं यहां पे कोई डरावनी लोकेशन जहां हम शूटिंग कर सके। एक काम कर, तू वहां जा, मैं यहां देखता हूं। चल ठीक है। ये बच्ची कहां गई? अभी तो यही थी। हवेली में एक बंद कमरा है, उस कमरे को खोलना तो दूर, उसके आसपास भी मत भटकना। रोनित हेल्प मी, मयूर, रोनित, मयूर, 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 मयूर कहाँ है तू? मयूर, मयूर, मयूर,
ये क्या है? आओ सब, आओ। कैसे हो? क्या बात है इंदर? अर्जेंटली फोन करके मुझे क्यों बुलाया? अब खुद ही चलकर देख लो। आओ साहब जी, मैंने तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया सर। मगर हुआ क्या? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? मन्ने के पता साहब जी, किसने किया ये सब? ओह माय गॉड साहब जी, अरे इंदर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि इतनी दारू मत पिया कर, लेकिन साहब जी दारू की कसम, मन्ने बिल्कुल नहीं पता कैसे हो गया ये सब। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सत्यानाश कर दिया है इंदर तूने? नहीं साहब जी, नहीं इंदर, तूने सत्यानाश कर दिया। ये क्या हो गया? अब नतालिया को कोई नहीं रोक सकेगा, उसकी आत्मा यहां से निकलने में कामयाब हो गई है। कितनी मुश्किल से उसकी आत्मा को मैंने कैद करके रखा था यहां, लेकिन वो आजाद हो गई। वो अब हम पांचों के पीछे आएगी, हमें खत्म कर देगी। राज परिवार के किसी भी सदस्य को वो नहीं छोड़ेगी, वो हम सबको मार डालेगी, मार डालेगी वो। सब जी। Happy anniversary, my love. Thank you, and wish you the same. आपको क्या लगा कि हमारी शादी के इतने साल होने के बाद भी हमारा प्यार आपके लिए कम पड़ जाएगा? आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं। वो तो हम हैं ही। Anyways, let's enjoy the party. आपके लिए एक सरप्राइज है। Really? Yeah. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब विशाल जी की तरफ से उनकी वाइफ सुनैना के लिए एक खास सॉन्ग परफॉर्मेंस। व्हाट हैपेंड? आप गाना क्यों नहीं गा रहे हैं? आपकी ये परफॉर्मेंस के लिए मैंने बहुत बड़ी पेमेंट की है। चलो कम ऑन, सिंग नाउ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी चाचा जी। आपने मुझे इनवाइट नहीं किया। नतालिया? कोई कहीं नहीं जाएगा, अभी मेरी परफॉर्मेंस बाकी है। देखिए मिस्टर अर्जुन, डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड आपके चाचा और। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ बोल रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज सर, मेरी बात समझ। नतालिया की आत्मा आजाद हो गई है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। ये मेरी बहन अनुष्का है, कजिन, और मैं अर्जुन, हम दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लीज हेल्प अस।
चाचा जी। अर्जुन बेटे, नताल्या की आत्मा एक भूखी शेरनी की तरह हम सबका खून पीने के लिए पीछे पड़ी हुई है। बड़े चाचा जी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज, और ये कुछ दवाइयां हैं ये ले आइए। चलाता हूँ। हम आते हैं चाचा जी, चलो। अनुष्का, हमें ये समझ में नहीं आता कि नतालिया की आत्मा यहाँ तक पहुंची कैसे। क्योंकि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है। जी आप? मैं सिया, मुझे पता है कि नतालिया की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई है क्योंकि उसी रात उसने मेरे टीम मेंबर्स को अटैक किया और उन्हें मार दिया। एक मिनट, आपके टीम मेंबर्स आप हैं कौन? मैं एक गोस्ट बस्टर हूँ, मतलब मैं और मेरी टीम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। मदद क्यों? क्योंकि मैं नतालिया को रोकना चाहती हूँ। उसने मेरे टीम मेंबर्स, मेरे दोस्त रौनित और मयूर को मुझसे छीन लिया है, और मैं नहीं चाहती कि वो और लोगों की जान ले। नतालिया सबसे बदला ले रही है क्योंकि उसकी लाइफ के 22 साल तक उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया। उसकी मौत उसकी खुद की लगाई हुई आग से जलकर हुई। और हम उसे नहीं रोक सके। और उसके मरने के बाद उसने हमें मजबूर कर दिया हवेली छोड़ने को, पर अब उसकी आत्मा इस हवेली की कैद से बाहर आ गई, और आई एम श्योर वो हमें निशाना जरूर बनाएगी। हाँ, आई अंडरस्टैंड, पर इस वक्त जरूरी यह है कि हम सब लोग साथ में रहें और जितना हो पाए हमें बाहर जाना अवॉइड करना होगा। सॉरी बट हमें चाचा की दवाई लेने जाना है। मैं भी साथ चलती हूँ आपके। लेके चलो। क्या हुआ? आज मुझे सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा, सिंगिंग कंपटीशन में क्या गया, सुनाओ मुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे माफ कर दो। आप अब भी मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हो अंकल? पता है नतालिया की आत्मा को हवेली में रखे ज्वेलरी बॉक्स में कैद करके रखा था ताकि वो बाहर ना आ सके। अच्छा, तुम दोनों कोई ऐसी औरत को जानते हो जो झुक के चलती हो? झुक के चलती? या मैं तो नहीं जानता किसी को। मैं भी नहीं जानती हूँ, पर क्यों? इसलिए क्योंकि वो ही औरत थी जिसने मुझे उकसाया था हवेली में जाने के लिए। आई डोंट नो वो कौन थी, मुझे उससे मिलना होगा। एक्सक्यूज मी, या एक मिनट। हेलो मिस्टर अर्जुन जी, बोलो।
हाँ सर, आप यहाँ किसी बच्ची को लेकर आए थे? बच्ची? हाँ सर, वो मिस्टर ललित जी के आईसीयू रूम में गई है। उसने व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई है। व्हाइट कलर की फ्रॉक? नतालिया बचपन में व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनती थी। I'm sure, उसी की आत्मा है। oh इसका मतलब चाचा जी? चाचा जी? चाचा जी? चाचा जी? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम भी नहीं बचोगी। पर हम कहाँ जा रहे हैं? अनुष्का, मैं तुम दोनों को अपने ऑफिशियल बंगले पर लेकर जा रही हूँ, जहाँ मैं और मेरी टीम काम करते हैं। मुझे नहीं लगता अर्जुन, अनुष्का, अब कोई और जगह है जहाँ तुम दोनों सेफ हो सकते हो। That is the only place. सिया, तुम हमें कहीं भी ले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आत्मा ने न जाने कितने लोगों की जान ली है, कितने हजारों लोगों को मारा है। मुझे नहीं लगता कि तुम हमें उस आत्मा से बचा सकती हो। भरोसा रखो अर्जुन, हम कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेंगे नतालिया की आत्मा से छुटकारा पाने को। ओके? I hope so, यार, it works. Of course it will work. ये अचानक से आंधी तूफान कैसे आ गया? ये नतालिया ही करवा रही है। वो हमें पूरी तरह रोकने की कोशिश कर रही है और हम नहीं रुकेंगे। अर्जुन, you have to drive fast, please. हाँ। कि आत्मा फिर से आ जाए, हमें ऐसे निकलना होगा। मेरा ऑफिशियल बंगला। चलो, let's go, let's go, let's go. जल्दी, सीधा, सीधा। जल्दी आओ, जल्दी। Oh God. Guys, मुझे एक रास्ता मिल गया है नतालिया को दूर रखने का। कैसा रास्ता? आग। नतालिया की आत्मा आग से डरती है। अगर तुमने नोटिस किया होगा कि जब ब्लास्ट हुआ था तो उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि नतालिया की मौत आग में जलकर हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा आग से डरती है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कि ये कोई परमानेंट हल नहीं है। इससे हम उसकी आत्मा को डरा सकते हैं, उसे परेशान कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन हम उसकी आत्मा को शांत नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने उसकी आत्मा को शांत नहीं किया तो वो तुम दोनों को, मुझे और न जाने कितने मासूम लोगों को मार देगी। ओह शिट। कम डाउन। ओके ओके, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। काम डाउन, सी, आराम से, आराम से। प्लीज बी केयरफुल। तुम इधर आओ। बॉस, आप?
क्या ये सब? बॉस, तुम लोग बिना मुझे बताए हुए बिना मेरी परमिशन के केशवगढ़ की हवेली चले गए, वहां पर नतालिया की आत्मा को आजाद करवा दिया और उस खौफनाक हमले में हमारी टीम के मेंबर मारे गए। क्यों किया तुमने ऐसा? Just tell me why? सर, सर, मैं तो एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की तलाश में थी। सर, सर, मैं आज तक केशवगढ़ की हवेली ही नहीं गई हूँ और ना ही कोई मेरा इरादा था वहाँ पे शूट करने का। ये तो बस मुझे एक फोन आया, मुझे बोला गया वहाँ जाकर शूट करो और उसी में रौनित और मयूर मारे गए। ये तो सर मेरी किस्मत है कि मैं उस दिन होटल में उनका वेट कर रही थी और मैं बच गई। सर, सर मुझे एक औरत मिली थी और वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। सर वो उसी ने मुझे कहा था और वो ही मुझे उकसा रही थी कि मैं वहाँ जाकर शूट करूँ और वो पैसे तक देने को तैयार थी। सर मैं नहीं जानती वो कौन थे लेकिन वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। वो बस हमारे पीछे पड़ गई कि हम जाके शूट करें। सर मुझे नहीं पता था कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है उस आत्मा को आजाद करने के लिए। सर वो औरत ही इसके पीछे, कौन थी वो औरत? कौन थी वो औरत? तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया उसने? सर मुझे लगता है उसने कोई मेरा टीवी शो देखा और उसने मुझे वहीं से कांटेक्ट किया। सर उस औरत को ढूंढने के साथ साथ हमें राज परिवार के मेंबर्स को भी बचाना होगा। सर ये तो भी उसी परिवार के हैं सर, हमें इन्हें बचाना होगा। What? Oh God, क्यों लेकर आई तुम्हें यहाँ पर? लगता है नतालिया की आत्मा यहाँ पर आ गई है। आ गई वो? ओह गॉड, पीछे लो, पीछे लो, लाइटर है, लाइटर, लाइटर, ये कौन? सिया, कैंडल्स है क्या? ले क्या? ये भगवान, ये भगवान, सिया, जल्दी जल्दी भागो, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी सिया, चलो 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 अनुष्का चलो। दीदी चलो अनुष्का। मतलब नतालिया मेरी सगी बहन है, मेरी बड़ी बहन। उसको सारी उम्र एक कमरे में कैद करके रखा गया, एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह रखा गया, क्योंकि क्योंकि इसलिए वो बीमार थी या क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे। हमारे चाचा चाची सारे कजिन्स सबने उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। क्यों? और अगर वो इस सब का बदला ले रही है तो क्या गलत कर रही है? हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन करवाया था। मैं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से नतालिया की आत्मा हवेली से आजाद हो जाए और वो हुआ। मैं वहां नहीं जा सकती थी क्योंकि जो भी वहां जाता नतालिया की आत्मा उसे मार देती। और वो औरत जो मुझसे मिलने आई थी, वो हमारी नानी है, हमारी नौकरानी। मेरे ही कहने पे उसने ऐसा किया। तुम्हें क्या लगता है अनुष्का, तुम्हें नतालिया की आत्मा छोड़ देगी? जैसे उसने बेगुनाहों को मारा वो तुम्हें भी मार देगी? शिवल किल यू थिंक अबाउट इट। मैं जानती हूँ क्योंकि जब आपके बंगलों पे आई थी मैं समझ गई थी कि वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अनुष्का तुम्हें अब हमारी मदद करनी होगी, हमें नतालिया की आत्मा को फिर से उसी ज्वेलरी बॉक्स में बंद करना होगा जहां से बेचारे रौनित ने उसे आजाद किया था। हम नतालिया की आत्मा को हवेली में रखे ज्वेलरी बॉक्स में कैद कर सकते हैं, पर वो तभी होगा जब हम उसे ज्वेलरी बॉक्स में आने के लिए मजबूर करेंगे।
लेकिन उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम ये सब कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ करते हैं। ये मौसम फिर से बदल रहा है ना? बुरा होगा या बुराई का अंत होगा? अर्जुन, अर्जुन रुको, उसे लग जाएगी। अरे तुम भूल रही हो, वो एक भूत है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कोई चोट नहीं लगेगी। अनुष्का, हमें यहाँ नहीं रुकना है। अर्जुन तुम चलो, अर्जुन चलो, जल्दी चलो। अर्जुन जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना है वहां पे। या या या, कमांड कमांड, जल्दी गाइस, गाइस हेल्प मी, जल्दी, लेट्स गो, लेट्स गो, जल्दी करो। अर्जुन, अनुष्का, तुम दोनों को प्लान तो पता है ना? हमें अपने प्लान के मुताबिक चलना है, ओके? गाइस, गो अहेड, जाओ 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 जाओ। अनुष्का, ये लो, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है, राइट? हाँ। जाओ। अब पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मैं ही हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच में आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी उन्हें, समझे तुम? से शुरू हुआ था और हम ही से खत्म होगा। सिया को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, मुझे। नहीं।
अर्जुन, अर्जुन जल्दी आओ। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।